पुरानी पेंशन लागू करिए, पुरानी पेंशन लागू करिए, हम इसके हकदार के इतना जुल्म न करिए, के इतना जुल्म न करिए, मांग मेरी पूरी करिए। ये लाल रंग कर्मचारियों के खून का है, खून से लिखी ये चिट्ठियाँ देश के प्रधानमंत्री के लिए हैं। मांग है कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए, कभी अपने खून से ऐसी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं तो कभी अपना सर मुंडवा रहे हैं। यह सब कुछ सरकार का ध्यान अपनी मांग की ओर खींचने के लिए। कर्मचारियों का आरोप है कि जब नई पेंशन स्कीम की योजना बनी तब इसके अनगिनत फायदे गिनाए गए, लेकिन जब यह योजना लागू की गई तब इसकी हकीकत सामने आई। कोई भी कर्मचारी जब सेवा करने आता है तो उस समय वो पेंशन की बात नहीं करता, वेतन की बात करता है। उसके बारे में काफ़ी प्रचार किया गया कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को बहुत सारे फायदे हैं। कर्मचारी अपने वेतन में खुश था। जैसे जैसे 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होना चालू हुए, तब उन्हें पता लगा कि न्यू पेंशन स्कीम में कितना नुकसान है। यानी पेंशन मतलब सेवानिवृत्त कर्मचारी की प्राण वायु, ऑक्सीजन कह दें। सरकार अनदेखा कर रही है कि सरकार की मंशा क्या है सरकार जाने, लेकिन ये बताइए आज किसी को 1000 रुपये पेंशन मिले, 1200 रुपये पेंशन मिले, क्या बुढ़ापे में गुजारा हो सकता है? अब आगे श्रवण कुमार तो पैदा नहीं होंगे जो माँ बाप को खिला लेंगे, बुढ़ापे में इलाज का पैसा, दवा का पैसा, या आज हम 60,000 रुपये पा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद हम 1,000 रुपये पाएंगे, कहाँ से गुजारा होगा? पहले हम लोग अपने अपने ढंग से मांग करते रहे सरकार से, कभी खून से पत्र लिखकर, कभी मुंडन करवा कर, अपने अपने ढंग से भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से मांग किए और भी मांग कर रहे हैं। आखिर यह नई और पुरानी पेंशन योजना का पेंच क्या है, समझते हैं एक उदाहरण से। किसी सरकारी महाविद्यालय के व्याख्याता को अगर रिटायरमेंट के समय हर महीने 75,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा था तो उसकी पेंशन हर महीने 37,500 रुपये मिलती है, जबकि नई पेंशन योजना में उसे हर महीने 28,000 से 35,000 रुपये तक की रेंज में रखा जाएगा, यानी 2,500 से 9,500 रुपये तक का हर महीने नुकसान। OPS और NPS में 10 बड़े अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती, NPS में कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है। पुरानी पेंशन में GPF की सुविधा है, NPS में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है, इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। OPS में रिटायरमेंट के बाद 20,00,000 रुपये तक ग्रेजुटी मिलती है, NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी का अस्थायी प्रावधान है। OPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली को पेंशन का प्रावधान है, NPS में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। OPS में रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता, NPS में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। OPS में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता, NPS में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्त के लिए NPS फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है, OPS में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, NPS में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है लेकिन NPS में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कोई स्थायी पेंशन नहीं है, आज जो रिटायर हो रहा है उसे 500-400 पेंशन मिल रही हैं, जबकि पुरानी पेंशन में एक निश्चित था कि वो अंतिम वेतन का 50% मिलेगा, साथ में DA समय समय पर बढ़ता रहेगा, एक स्थायी
वो था, आज इसमें नुकसान है। नई पेंशन में तो लोग परेशान हैं। पहले पुरानी पेंशन में जो था कि लोगों को वेतन का 50% मिलता था, नई पेंशन में प्रावधान है कि उसमें जो मेरा 10% कट रहा है, सरकार जो है 14% दे रही है। मांग तो हम लोग हर जगह उठाए, सबसे, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे समाज सेवी हो, जो भी। अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में देने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद होती है कि कम से कम उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, लेकिन 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को बुढ़ापे में भी अपने हक के लिए कभी आंदोलन के लिए उतरना पड़े तो इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी। ज्वाइनिंग के समय जो पेंशन स्कीम बताई गई थी, रिटायरमेंट आते आते वो बदल गई। अब ये अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि चुप रहना विकल्प नहीं।